कोई सिनॉप्सिस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और सीधा जो आज सिखाऊंगा बस उसका चैप्टर कर लेना, चैप्टर हो जाएगा। ठीक है अश्मी चौहान? यस सर। चलो तो आओ सीखना शुरू करें। सबसे पहले लीस्ट काउंट समझते हैं जी क्या होता है। देखो लीस्ट काउंट होता है मिनिमम रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। जैसे मान लो मैंने ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल लिया और अनन्या शर्मा का इस मार्कर की लंबाई नापो। अनन्या शर्मा ने लंबाई नाप के कहा मुझे 11.2 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि अनन्या शर्मा एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट है, इसको स्केल यूज करना आता है। अब स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर। स्केल कम से कम 1 मिलीमीटर नापता है, पता होगा आपने देखा ना स्केल ज्योमेट्री बॉक्स वाला। तो अब क्योंकि अनन्या शर्मा एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट है तो मैं इस करके मानूंगा कि अनन्या से अगर गलती हुई भी होगी, क्योंकि ह्यूमन है चलो गलती हो सकती है, तो क्या किया होगा उसने? शायद 11.2 पढ़ लिया, हो सकता है सही वैल्यू 11.1 रही हो या 11.3 रही हो, मतलब खतरे में है तो यही नंबर है ना एक, 11 पे तो शक नहीं कर सकते। ओके जितने रिलायबल डिजिट है प्लस 1 अनरिलायबल, इसको बोलते हैं सिग्नेंट फिगर्स। टोटल रिलायबल प्लस 1 अनरिलायबल, ये रुशाली खाली डेफिनेशन है सिग्नेंट फिगर की। अब आज के बाद आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना, मतलब ये चैप्टर पूरा बायोलॉजी की तरह है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा और सीधा सीधा रूल्स है उन्हीं रूल से काम होगा। ठीक है आयुषी ठाकुर? आयुषी ठाकुर तुम्हारा वीडियो कहाँ ऑफ है? क्लास में नहीं है वो, निवेदिता से पूछते हैं। निवेदिता ठीक है बात? यस सर। चलो अब इसके रूल्स हैं, रूल्स क्या है वो देखो। पहला रूल है सारे नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। मैंने बोला इसमें दिमाग नहीं लगेगा, सिर्फ रूल्स है उन्हीं से काम होगा। ठीक है कीर्ति? तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट आ गए 4, सिग्निफिकेंट आ गए 4। उसके बाद 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, इसमें भी 4 आ गए क्योंकि बीच के 0 सिग्निफिकेंट होंगे। अगर नंबर 1 से छोटा है तो 0 ऑन राइट और लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो के इनसिग्निफिकेंट है, जैसे ये नंबर है तो ये वाले 0 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ यही 2 काउंट होंगे, और यहां पर ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये 4 काउंट होंगे। देखो जी ये पेज दोबारा देख लो, कोई डाउट है इस पेज पे? बायो की चलेंगे साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे ना पेज। मैक्स शर्मा क्लियर है पेज? यस सर। ठीक है जी, आओ जी अगला पेज। बोले सर आपने 0.1 सेंटीमीटर इक्वल 1 mm को क्या माने है कि स्केल का ये? नहीं ये तो लीस्ट काउंट है स्केल का, लीस्ट काउंट। ठीक है सर। और बताएं सर, थर्ड पॉइंट में आपने लिखा है ना कि लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसका क्या मतलब हुआ? ये नंबर लेफ्ट, मैं सबको इंग्लिश सिखा दूं, इधर राइट कहलाता है इधर लेफ्ट कहलाता है। ठीक है आगे बढ़े। ये तो पता है सर आपने, ये नॉन जीरो हो गया। अच्छा ठीक है, इस टू तो बोला है हमने यहाँ पे। ओके जीरो के लेफ्ट में जो जीरोस हैं वो बेकार हैं। ठीक है ओके है यस सर। और ऐसी इसके इधर वाले ये 2 जीरोस। ठीक है पता लग गया अक्षिता? जी सर। चलो आगे बढ़े। नंबर विदाउट डेसिमल जो होता है उसमें ट्रेलिंग, ट्रेलिंग होती है एंड वाली, ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर 4200 आएगा ना कार्तिके तो आंसर देना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। पर कई बार ना वहां इंग्लिश लिखी होती है ए स्टूडेंट मैयड
some length and recorded it as 4200 meter, तो चार डिजिट लेना, क्योंकि वहां पे गवाही देने के लिए स्टूडेंट खड़ा है। इंग्लिश में देखो ना स्टेटमेंट क्या डाली है कि स्टूडेंट आप पर वो कह रहा है 4200 मीटर है, तो ऐसे में हम ट्रस्ट करते हैं बच्चों पे। जैसे मान लो जशनप्रीत मुझे रोज का मैसेज भेजती है, सर फिजिक्स डन, सर बॉटनी डन, ठीक है, खाली इतना मैसेज भेजती है, तो वी ट्रस्ट स्टूडेंट्स। हम कहते हैं ठीक है, अगर बच्चे ने भेजा है मैसेज तो उसने इतना काम किया होगा, बस चाहे फोटोज नहीं भी भेजी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा पर्सन रिकॉर्डेड या स्टूडेंट रिकॉर्डेड, तो फिर लेना चार डिजिट, क्योंकि फिर वी ट्रस्ट द पर्सन। और अगर सिंपल आए कि 4200 मीटर में कितनी है, तो जवाब देना टू। पता लग गया गगन? हाँ जी सर। अगला, अगर नंबर डेसिमल के साथ है तो एंडिंग जी, हाँ जी सर, नहीं समझ आया हमको, क्या चीज नहीं आया बेटा? सर यही फोर्थ वाला पॉइंट मैंने बोला, अगर सिंपल ऐसे होगा तो डिजिट ये वाले जीरो नहीं गिनने, जो गिनने वो ग्रीन से मार्क कर दिए, ठीक है। ओके महक, आपकी महक आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा बाहर को आगे। देखो मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधा या ऐसे आएगा तो डिजिट दो गिनना, अगर वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड लिखे होंगे स्टूडेंट ने मैयर क्या रिकॉर्ड किया या पर्सन ने मैयर क्या रिकॉर्ड किया, तो फिर सारे गिनना, क्योंकि वी ट्रस्ट द ऑब्जर्वर, ठीक है महक। अभी आपकी ना आवाज नहीं पता लग रही, अब थम्स अप कर दो बस अगर पता लग गया तो, और नहीं पता लगा तालियां बजा दो। ठीक है, पता लग गया जी, ओके चलो अब चलते हैं आगे। अगर नंबर डेसिमल से हो तो आखिरी जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, जैसे ये है, इसमें ग्रीन कलर से जो है चारों सिग्निफिकेंट है, इसमें भी ये वाले पांचों सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है करेक्ट वे लिखने का, जैसे 8848 मीटर है तो इसको यूं लिखना चाहिए 8.848 इंटू 10^3, 4200 मीटर है, इसको ऐसे लिखा जाएगा तो सिग्निफिकेंट दो गिननी है, ऐसे लिखा जाएगा तो चार गिननी है, क्योंकि इसमें रूल नंबर अलग लगेगा, ठीक है ना। यानी कि पावर ऑफ 10 इनको कोई वरी नहीं करता, सिग्निफिकेंट नहीं होती है ये, बस यहां से पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट कितनी है, जैसे इसमें चार, इसमें दो, इसमें चार, तो अगर चार सिग्नेट दिखानी है तो लिखने का तरीका भी आपको यही करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है बच्चों। यस सर। थर्ड में अपने स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट की जगह हम ना भी लिखते स्टूडेंट को, फिर भी तो फोर ही आती। हाँ वो मैं वही कह रहा हूँ, स्टूडेंट वाले क्वेश्चन में मेरा इसका मतलब ये है जसलीन बताने का, कि इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ये नहीं बनेगा, इसका ये प्रेजेंटेशन ये बनेगा। ओके, ये मैंने जस्ट बताया कि ये वाला सवाल का प्रेजेंटेशन ही अलग होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अगर नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, जैसे ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्वेश्चन आया खुशबू कि इसको 4 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। खुशबू आप क्लासेस डेली लगा रहे थे? नहीं सर, मैंने बीच में नहीं लगाई, वो मेरा नेटवर्क इशू था, तो अभी वाईफाई लगवाया तो अब सही चल रहा है। पर आपके रूम में कोई और भी लगाओ, उसको बाहर भेजो पहले, एक वाईफाई और भी काम करा आपके यहाँ शैतान वाला। अब ठीक है सर, देखो मेरी बहन की क्लासेस चल रही है, वो बोल रही है टीचर को। अच्छा फिर आपको ईयरफोन पहनना चाहिए ना आपको? नहीं पहना हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसकी आवाज फिर आपको तंग तो नहीं कर रही? नहीं, वो बीच बीच में टीचर से पूछता है तो वो बोलती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वो बायोलॉजी सीख लो, वहाँ पे यहाँ एरर चल रहा है तो बायोलॉजी का एरर यहाँ आ जाएगा साथ। नहीं सर, वो फर्स्ट क्लास में है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो बाहर धूप में बैठ जाओ, धूप निकली हुई है।
पर वाईफाई नहीं है ना, वाईफाई नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा सिग्नल नहीं आता होगा, ठीक है। तो कितनी क्लासेस मिस करी वेव्स की आपने? मैंने 3 करी थी, पर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे मैसेज करके ले लिए थे तो वो देख लिए थे मैंने। सारे देख के कवर अप कर लिया है? हाँ, जो कल का है वो कल का थोड़ा सा पड़ा है मेरा, बाकी होगी। अच्छा, नहीं तो जब आप क्लास मिस टाइम पे आप क्या कर रहे होते थे घर पे? मैं खुद पढ़ती थी, जो मतलब साइनोप्सिस से या वैसे क्वेश्चंस मैंने खुद भी कर लिए थे, पर थोड़ा बहुत बचा से मेरे फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट बचा है, बाकी मेरा पूरा कवर हो गया, ऑब्जेक्टिव भी कर ली मैंने, असाइनमेंट आरपीएस सारी कर ली। वैसे ना फिर मोबाइल से क्लास ले लेते कम से कम, क्योंकि अब वीडियो देखने में भी टाइम जाएगा ना आपका सारा, वो कवर अप करने में टाइम चला। नहीं सर, मोबाइल से भी नहीं हो रहा था, ये मतलब जूम ऐप है ना यही नहीं चल रही थी, से मेरी बहन की क्लासेस मीट पे आती हैं वो तो चल रही थी बिल्कुल सही। ठीक है, चलो जी अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं हम। अगर नंबर 5 से छोटा है, जैसे इसमें 5 सीनियर डिजिट है, क्वेश्चन आया कि 4 तक राउंड ऑफ करो, तो इस 4 ने जाना है, अगर इस 4 ने जाना है आयुषी ठाकुर, तो इस 4 को सीधा बस ड्रॉप कर देंगे हम, क्योंकि नंबर 5 से छोटा है। एक क्वेश्चन दिखाया है अगर इसको राउंड ऑफ करना और 3 सीनियर डिजिट तक, तो भैया काइंडली कोई बच्चा इसका खाली 235 जवाब मत दे, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है पर इसके आगे 00 भी लगाना, वरना सोचो मैथ्स के अकॉर्डिंग इलीगल हो जाएगा। सोचो किसी से आपने 23,534 रुपए लेने हो, आप उसे को भैया राउंड ऑफ करके खाली 235 रुपए दे दे, बात बन जाएगी, ये तो गलत हो गया ना, तो साथ में 00 तो लेना पड़ेगा ना। तो पता लगा राउंडिंग ऑफ में भी लीगल काम जरूर करना है, ऐसा नहीं कि धक्के से राउंड ऑफ करके इलीगल बना दो उस चीज को। ठीक है अश्मी चौहान? यस सर। अब जो नंबर अगर ड्रॉप करना है अगर 5 से बड़ा है, तो फिर पिछले वाले को 1 से बढ़ाना होता है, जैसे इसमें 5 डिजिट है, राउंड ऑफ 4 तक करना है, तो 7 जाएगा, 7 जाएगा तो पिछले वाले को 1 से बढ़ा दो, 7 बन जाएगा। पता लगा बच्चों? हाँ जी सर, फर्स्ट का सेकंड एग्जांपल बताना 235-34 वाला। बेटे ऐसा है ना, 235-34 को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो इसको 235 खाली नहीं लिखोगे, 00 भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया आपने किसी से 23,534 रुपए लेने हो, तो राउंड ऑफ करके आप 235 रुपए लेके तो घर नहीं चले आएंगे। ठीक है दिनेश? यस सर। तो साथ में ये भी तो लोगे ना 00, 23,500 तो लेके आओगे, हाँ के ना? हाँ जी। यस सर। सर यहाँ पे 235 पॉइंट्स लिखो रहता था, तो हम 235 लिख सकते थे ना? 235.34 हाँ, तो इसको 235 लिख सकते हैं, ये ठीक है। ओके कीर्ति। यस। चलो अगर जिस नंबर ने जाना है वो है ही 5, ठीक है, तो इसमें 2 केस आते हैं। पहला केस अगर 5 के आगे भी डिजिट था, जैसे 5 के आगे 4 मौजूद है, तो पिछले वाले को 1 से बढ़ाना पड़ता है, जैसे ये देखो पहले 4 जाएगा 5 बचा, अब 5 जाएगा पर यहां पर डिजिट था ना पहले, इस करके 1 से बढ़ाना होता है। अगर आगे डिजिट नहीं था या 0 था, तो उसमें अगर तो ये नंबर इवन है फिर तो नहीं बढ़ाते, अगर ऑड है फिर बढ़ाते हैं, मतलब कि वी लव इवन नंबर्स, वी लव पेयर्स, ठीक है। तो अगर इवन नंबर हो तो फिर हम इवन ही रखते हैं, ऑड हो तो एक बढ़ाते हैं और उसको इवन करते हैं। उम्मीद है पता लगा? यस सर। आओ जी बायो की तरह रिवीजन, पहला पेज देखो जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हर 2 पेज के बाद रिवीजन कराता जाऊंगा। चलो पहला 4.0 होगा तो सर उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 4.0 2 होंगी जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी ये पेज 2 है जी, देखो क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर।
ये पेज 3 देखो जी, यहाँ तक पढ़ा है अभी, क्लियर है? सर एक वो रूल था शायद पढ़ा था कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती, कुछ ऐसा था सर। हाँ ठीक है, वो तब वो कैसे मुझे समझ नहीं आया मतलब आज तक। देखो एक नंबर है 12, अब ये तो रिलायबल ही है ना नंबर, 12 तो रिलायबल ही है। हाँ जी सर। तो अब 12 में जितनी मर्जी सिग्नल गिन लो। इसमें तो फिर हम इनफाइनाइट लेंगे ना 2 की जगह। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये किस सेंस में बात हो रही है, मान लो आपको की कहता है कि एक क्यूब की वॉल्यूम 1.01 है, ठीक है, ऐसे 25 क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? अब आपको करना है 25 × 1.01 करना है। Yes, sir. थोड़ा सा ना आगे वाला रूल का क्वेश्चन पूछ लिए, तो 2 मिनट रुको, मैं इस पे वापस आता हूँ फिर, ठीक है? पहले अगला रूल सिखा दूं क्योंकि आपका क्वेश्चन अगले रूल से इन्वॉल्व होता है। ठीक है सर, अभी 2 मिनट वापस आता हूँ मैं। देखो बच्चों, अब ऑपरेशन के रूल्स हैं, अगर तो 2 नंबर मल्टीप्लाई वो प्लस या माइनस होते हैं तो हमने डेसिमल के बाद उतने प्लेसेस रखने होते हैं जितने उसके पास है जिसके पास लीस्ट है। तो इसके पास डेसिमल के बाद 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो डेसिमल के बाद 1 ही रखना होता है। पहले मैंने प्लस की आपके लिए, फिर राउंड ऑफ किया, 7 गया ना, 2 गया, पहले 2 गया तो 3 ही बचा, फिर 3 गया तो 9 ही बचा, तो डेसिमल के बाद 1 ही रखना था। अगर माइनस करोगे तब भी सेम रूल है, डेसिमल के बाद 1 है, इसमें 2 है, तो लीस्ट किसके पास है? इसके पास, तो 1 रखना है, राउंड ऑफ किया, ये आ गया। और इससे समझ आया कि सब्ट्रैक्शन में सिग्नेट फिगर कम भी हो सकती है, क्योंकि देखो इसमें सिग्नेट कितनी है 3, इसमें कितने 4, आंसर में कितने 2, क्योंकि इसमें सिग्नेट हम देखते ही नहीं है। हम क्या देखते हैं इसमें कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, वो लिस्ट जिसके पास है आंसर में उतनी ही देनी है। अगर रूल मल्टीप्लाई डिवाइड का हो, यानी कि ये जैसे 51.028 को 1.31 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सिग्नेट फिगर मैच करानी होती है उस उतनी जितनी लिस्ट है, तो इसके पास 5 डिजिट है, इसके पास 3 है, आंसर में कितने होंगे 3। तो यही मैंने लिया, 8 को राउंड ऑफ किया पहले तो 6 का 7 बना, फिर 7 को हटाया तो 6 का 7 बना, फिर 7 हटाया तो 4 का 5 बना। अब 5 हटाएंगे तो 8 ही बचेगा क्योंकि इवन नंबर है, इवन में चेंज नहीं करते हम, तो आंसर यही आ गया। अगर ये लेंगे डिविजन का क्वेश्चन, 4 इसमें 3 इसमें, डिवाइड किया ये आंसर आया, पहले 7 जाएगा तो 4 का 5 बन जाएगा, अब 5 जाएगा तो यहां पर 0 का 1 बन जाएगा, अब 1 जाएगा तो 8 का 9 बन जाएगा, आंसर ही आ गया। तो मोटी मोटी बात क्या है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिग्नेट फिगर सेम रखनी होती है, प्लस या माइनस में डेसिमल के बाद की सेम रखनी होती है। अब जश्न का जो सवाल था वो मल्टीप्लाई का सवाल था कि 1 क्यूब की वॉल्यूम यार 25 क्यूब की कितनी होगी, तो इसमें बच्चा कहता है सर मैं 25 के सिग्निफिकेंट कितने गिनूं, तो जवाब हम देते हैं बच्चे को कि 25 के सिग्निफिकेंट गिनो ही मत, क्योंकि नंबर के सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट है। और इसको मैं सिंपल वे में बताता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स करके बताता नहीं जश्न, मैं बच्चों कहता हूँ कि 25 इज जस्ट ए नंबर, वो एक नंबर है, तो आप अपनी रीडिंग में लगाओगे ना रूल्स, रीडिंग आपकी ये है ना, तो आपके रूल रीडिंग पे लगेंगे, तो आंसर में सिग्निफिकेंट 3 लेने, आपने 25 का वरी नहीं करना। तो वो ये बोल देते हैं कि भैया नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है, यानी कि नंबर की चिंता मत करो, आप चिंता इसकी करो, वो इस तरह से बोल देते हैं बात को, क्योंकि आपको पता है गिनने कितने हैं, जितने लिस्ट हैं, तो कहते हैं नंबर के पास तो अनंत है, तो लिस्ट किसके होंगे आपकी रीडिंग के, वो आपकी बात को यूं बोल देते हैं कि भैया इसके ही लिस्ट है, आंसर में यही देना बस जितने भी आएंगे। उम्मीद है जश्न मेरी बात पता लगी। ठीक है, हाँ जी सर। तो मैं इसको सिंपल वे में ये कहता हूँ कि 25 नंबर है उसकी वरी मत करो, क्योंकि दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल डाटा, आपको तो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे रूल लगाने हैं ना, तो डाटा तो ये है ना, इस पे रूल लगाओ। पता लगा जशन? यस सर। बच्चों प्लस माइनस के रूल पता लगे? यस सर। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए आपको, ये होती है साइंटिफिक नोटेशन, जो आपको मैं अभी सिखा रहा था लिखने का तरीका, ये उसकी हाइएस्ट पावर जो होती है ना वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है,
पर इसमें राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट ये है, पहले उसको साइंटिफिक में लिखो, अब ये नंबर 5 से बड़ा है ना, तो पूरा नंबर हटा के 1 पावर बढ़ा दो, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया। ह्यूमन हाइट ये होती है, नंबर 5 से छोटा है, डिलीट मार दो, ये आंसर है। लाइट की स्पीड ये होती है, नंबर 5 से छोटा है, डिलीट मार दो, ये आंसर आ गया। आओ जी रिवीजन 2 पेज की फिर से। पहले देखो पेज 3 क्लियर है, ये वाला रूल। यस सर। आओ जी ये पेज देखो, पेज नंबर 4, सारा क्लियर है सर जी? सर जो आपने ऊपर सेकंड एग्जांपल करवाया है वो 4.237, उसमें 1.69 क्यों लिया? 8 तो इवन नहीं था। 8 नहीं देखना मेरे बच्चे, यहाँ पे कौन जा रहा है देखो, आपके लिए पहले 7 गया बेटे, 5 बना हेलो, अब 5 जा रहा है, यहाँ पे 0 है, तो 0 का 1 बनाओगे, नहीं बनाना चलो आपकी बात मान लेते, 0 रख लेते, इससे फर्क ही नहीं पड़ना है कोई। अब ये 0 तो ऐसा ही चला जाएगा, 1 होता तब भी चला जाता। अब ये 8 जा रहा है ना, 8 तो 5 से बड़ा नंबर है, तो ये 9 नहीं बनेगा क्या? वो इवन ऑड का रूल तो 5 वाले के लिए था, आप रूल मिक्स कर गए ना, इसमें तो रूल ये लग रहा है। पता लगा पूजा वर्मा जी? सर रूल मिक्स हो गए थे बीच में। और देखो जी क्लियर है जी? सर ये जो आपने सेकंड एग्जांपल में ये जो 66.84 वाले को राउंड ऑफ किया, जब हमने 4 को राउंड ऑफ किया था तो वो 5 बन गया, लेकिन 5 के बाद तो कोई डिजिट था ना, तो आगे वाले को मतलब हम 9 नहीं करेंगे? नहीं इवन है फिर तो नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगेगा, थर्ड का फर्स्ट वाला रूल नहीं लगेगा। अच्छा आप कह रहे हो कि ये लगा दे हैं, इसी में कंफ्यूजन है। मुझे लग रहा है हम राउंड ऑफ करके लाए हैं यहाँ पर 8.5, हम तो ये नंबर सेव कर रहे हैं ना राउंड ऑफ, मतलब हम अब ये देखेंगे क्योंकि अब इसके बाद जो डिजिट कट हो जाए वो हम नहीं देखेंगे। मैं पता एक्चुअली कैसे देख रहा हूँ, ऐसे में कई बार डाउट आता है ना, पता मैं कैसे डाउट ब्रेक करता हूँ? देखो इसको अगर हम नंबर को देखें 66.846 है ना, 46 पूरा नंबर ले लेता हूँ मैं, 50 से छोटा है ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सीधा और ये आंसर बन जाता है। अगर डाउट है ना, ये भी तो आप कर ही सकते हो, अगर ये होता 66.854, अबे क्या बनता? अब 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे 5 पहले से मौजूद है, पहले से वहां पे 5 था नहीं, 5 तो क्रिएट हुआ है 4 की वजह से, समझ रहे हो? तो इस करके ऐसे में कॉमन सेंस लगा लेता हूँ मैं कि 66.846 ये 50 से बड़ा नंबर है, राउंड ऑफ होगा। तुमने सोचा ना किसी से रुपए पैसे लेने हो, वो कहे भैया राउंड ऑफ करके ले ले, तो तुमने 846 लेने, तुम कहोगे चल 800 दे दे, 854 तो कहोगे चल 900 दे दे, फिर राउंड ऑफ करके लेने अब तो, समझे? हाँ जी हाँ जी। अगर हमें मतलब वो जो 854 वाली एग्जांपल दी जो आपने, हाँ। उसमें अगर हम जैसे रूल के हिसाब से 5 से पहले इवन है तो फिर तो नहीं होना चाहिए 9? नहीं पर 5 के आगे डिजिट है ना, अब वो रूल 3 का 1 लगेगा जो जस्टीन कह रही थी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, तभी मैंने कहा बीच में थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा लेनी चाहिए, जहां फंस जाओ यूज थोड़ी सी कॉमन सेंस। आज वीडियो सारे लोग ही ऑफर रख रहे हैं, सिर्फ 4 ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे तो, निवेदिता, स्नेहा, जशन, क्या बात है यार, थोड़े से आज क्लास में, तुम्हारे मन लगा रहेगा मेरा भी लगा रहेगा।
एक तो देखो मैं बुखार में क्लासे ले रहा हूँ, उसका भी तुम थैंक यू नहीं करते, वरना मैं सीधा क्लास छोड़ ही देता, तो मैं ही वीडियो ऑफ कर देता। मेरी तो वीडियो ऑफ करनी बनती भी है, तो बीमार आदमी की शक्ल देख के तुमने भी क्या करना है। हाँ जी चले पुष्पेंद्र कुमार आगे। यस सर। चलो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है? एक्यूरेसी होता है क्लोज टू ट्रू वैल्यू, प्रसाइज होता है जिसमें सिग्निफिकेंट ज्यादा हो। वैसे प्रसाइज में भी ट्रू वैल्यू के पास तो होना ही चाहिए, पर सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगी वो प्रसाइज है, मतलब मोटा मोटा ब्रॉडली बोले तो। मैंने एग्जांपल दिखाया, मिस्टर ए का वेट 51 केजी है, पूजा वर्मा ने नापा उस वेट को 52 केजी और गगन ने नापा 48.326 केजी। तो मैं कहूं प्रसाइज कौन ज्यादा है, तो गगन का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा महंगा होगा क्योंकि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट दे रहा है, लीस्ट काउंट इसका काफी छोटा आ रहा है, तो ये महंगा इंस्ट्रूमेंट है मेरे लिए बेकार ही क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है। तो एक रीडिंग को एक्यूरेट भी होना चाहिए, प्रसाइज भी होना चाहिए। पर प्रसाइज कौन है मोटा मोटा पता लगा? जिसमें और एक्यूरेट कौन होता है? जो ट्रू वैल्यू के नजदीक है। जैसे मान लो एक बच्चा पेपर में आंसर निकाल के आया, ठीक है, और उसका आंसर है 5/2.5, ठीक है, करेक्ट आंसर था मान लेते हैं 2.6, ठीक है, तो मैं बच्चे को बोलूंगा एक्यूरेट है ये, काफी क्लोज है ट्रू वैल्यू के। और एक बच्चा आंसर निकाल के आ गया उसका 22/7 और आगे लिख के 3.14236182 ये निकाला है, तो भैया मैं कहूंगा प्रसाइज तो ज्यादा है बच्चा पर एक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है। यस सर। निवेदिता परिहार बात समझ आ गई? यस सर। आप बातें क्यों कर रहे थे? बातें मत करो। सिस्टर बैठी थी साथ में, उसको भेज रही थी। अच्छा चलो, हाँ उसको बोलो बैठना, तो कॉपी पेन लेके बैठे साथ, ठीक है। चलो जी सर, उसकी खुद की क्लास लगी। अच्छा चलो जी, अब हम चलते हैं। इन जनरल प्रसाइज जो है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी फायदा इंस्ट्रूमेंट खरीदने का। अब एरर क्या होता है? जो होता है डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एरर को क्लासिफाई कर रहा हूं पहले कॉज के बेस पर, तो इसमें आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन है? इनका कॉज नोन होता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉज को रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि आपका इंस्ट्रूमेंट मान लो वेइंग मशीन पहले से खाली खड़ी 5 किलो दिखा रही है और आपका वेट आ गया 55 किलो, तो आपको पता ही रॉन्ग रीडिंग है क्योंकि इसमें 0 एरर था, है ना, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया। अनस्किल्ड ऑपरेटर, मानो आरएन डॉक्टर बन के क्लिनिक पे एक असिस्टेंट रखा है और वो लंच करने घर गया आरएन, और उसने फोन किया असिस्टेंट ने, डॉक्टर साहब जल्दी आओ एक मरीज है उसको 17 किलो बुखार आ रहा है। इसका मतलब ऑपरेटर अनस्किल्ड है, उसने बुखार वेइंग मशीन से नाप लिया उसका, है ना। तो ये सिंपल कॉज पता है इनका, कॉज हटाओगे एरर हट जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, कोई आदमी जॉगिंग करके आया और आपने कहा भाई तेरा तो बीपी हाई है, हाई बीपी का टीका मार दिया उसको, तो ये सिस्टमैटिक एरर्स हैं। कॉज नोन है, कॉज दूर करो एरर दूर। अब चलते आगे, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं? जो टेस्ट में तुम्हारे से होते रहते हैं, है ना, तुम कहते हो पेपर के बाद तो सर सब आता था, पेपर में पता नहीं क्या हो गया, है ना, तो कॉज नहीं पता होता, सिली मिस्टेक जिसे आप बोल देते हैं। तो इनको दूर करने का तरीका क्या, जो पेरेंट्स सिखाते थे, पेरेंट्स कहते थे बेटे पेपर हो भी जाए तो उठ के मत आइयो, अपनी कैलकुलेशन फिर भी चेक करियो बार बार, तो यानी कि रिड्यूस बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। तो मान लो आपने 400 रीडिंग ली, तो एरर होने की संभावना 1/400 हो जाएगी। तभी मैं कहता हूँ ना, आरपीएस में गोला मारने से पहले 3 बार देखो कि क्या आपको क्वेश्चन नहीं आता, पहले खुद ट्राई करो, फिर ना मिले मेरी कॉपी रेफर करो, फिर ना मिले थोड़ा दिमाग लगा के देखो ब्रेक के साथ, अगर फिर भी ना हो फिर गोला लगाओ, ठीक है। तो वो इसीलिए हम बोलते हैं ताकि रैंडम एरर कम हो जाए उसमें। अब एरर को क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड।
इसमें चार कैटेगरी के एरर आते हैं, मैं न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा। जैसे एक पेशेंट का बीपी मैंने 5 रीडिंग्स ली है, तो रीडिंग का नाम ए दे दिया। ट्रू वैल्यू कौन सी मानेंगे, मीन वैल्यू, वो होगी सीधा एवरेज ले लो, तो हम उस बीपी को ट्रू वैल्यू ए मानेंगे। तो पहला एरर होता है एब्सोल्यूट एरर, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का फर्क, तो ये माइनस करके -2 -1 0 1 2 ये आ गई एब्सोल्यूट एरर। फिर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब का मॉड ले लो, मतलब -2 को भी 2 गिनो, -1 को भी 1 गिनो, 0 को 0 ही गिनो, 1 को 1 गिनो, 2 को 2 गिनो, तो मीन एरर आ गया 1.2। तो पेशेंट के हेल्थ कार्ड पे, जो आपके पेशेंट आएगा उसके हेल्थ कार्ड पे आप रीडिंग को लिख सकते हो ए प्लस माइनस डेल्टा, मतलब 120 ± 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये उस पेशेंट का बीपी आप लिख दोगे। ठीक है, आओ जी दो पेज हो गए, फिर से रिवाइज करें। पेज 4 तक हम कर चुके थे, पेज 5 देखो जी, ये पेज समझ आ गया। यस सर, यस सर, पेज 6 देखो, ये समझ आ गया। सर जैसे हमने प्रेसिशन वाला किया था, उसमें अगर 50.8 समथिंग वैल्यू है, तो उसको एक्यूरेट लेने के प्रिसाइज लेने। देखो जी, ये तो दोनों कैटेगरी में आ गई ना, एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों ही हो गई है, तो बेस्ट रीडिंग ली आपने, है ना? हाँ सर, मतलब एक्यूरेट भी है, ये ट्रू वैल्यू के नजदीक है। तो किससे कंपेयर करना चाहते हो आप? 51 kg। रूबल, मुझे कल तुमसे कोई काम था, पता नहीं मैं भूल गया हूँ, पर चलो तुम क्या, तुम कहीं होमवर्क चाहिए था मुझे तुम्हारे से, कल तुमने भेजा नहीं, कुछ ऐसा हुआ था कल, पता नहीं, मैं शाम को सोच रहा था रूबल का नंबर ढूंढू, फिर चलो तुम अपना होमवर्क भेज देना मुझे आज ना। ओके सर, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर, ठीक है जी। आओ जी, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? देखो, ये हमारी आई मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम आज सिर्फ डेल्टा ए लिखेंगे, ये ट्रू वैल्यू है इसको ए लिखेंगे, तो इन दोनों की रेशो कहलाती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज एरर इसी को इनटू 100 कर दिया जाता है। तो पेशेंट के हेल्थ कार्ड पे आप ये भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब अगला सवाल उठता है कि मैंने एक रीडिंग ली, उस रीडिंग में एरर है, और उससे बेस मैंने अगली कैलकुलेशन करी, तो उसमें तो एरर और ज्यादा ही आएगा। पर कई बार आपको टेस्ट में भी आपने देखा होगा, आप एक कैलकुलेशन रॉन्ग करते हो, अगली भी रॉन्ग करते हो, पर वो लकीली दोनों एरर कैंसिल होकर सही के नजदीक आ जाते हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने मान लो राउंड ऑफ कर लिया टेस्ट में, कहीं अप्रोक्सीमेशन कर दी, ठीक है, मान लो जी को 9.10 कर दिया, अगली बार कहीं आपने 12 गिनना था उसको 11.8 गिन लिया, तो इफेक्टिवली आपका आंसर नजदीक आ जाता है ट्रू वैल्यू, क्योंकि आपने एक बार बढ़ा लिया और एक बार कम कर लिया, तो करेक्ट आंसर के नजदीक आप पहुंच जाते हो, ऐसा हो जाता है, है ना। तो इसका मतलब एरर, अगर एक रीडिंग में एरर है दूसरी में एरर है, तो आंसर में एरर आता है और कम भी आ सकता है। अब ये तो लक की बात है, इस करके हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आंसर में मैक्सिमम एरर कितना आता है। उसका रूल है कि जब दो नंबर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर मैक्सिमम एरर प्लस करके ही आता है, इससे बड़ा एरर नहीं हो सकता, इससे छोटा हो जाए लक की बात है। यानी कि जब भी दिनेश क्वेश्चन आएगा ना फाइंड एरर इन दिस, तो आप समझ के चलना कि वो एरर आपको कौन सा वाला बोलना है, दिनेश
कौन सा एरर बोलना है? मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला सर। हाँ बिल्कुल सही। आओ जी, ये क्वेश्चन दिया मैंने, करो जरा इसको, क्या आंसर दोगे? ऐड मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, सब्ट्रैक्ट भी मैं कर देता हूँ, टू से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। अब तुम एरर्स बता दो बस, ये मैक्सिमम वाले बताने होते हैं। सृष्टि शर्मा, सृष्टि शर्मा मुश्किल है तुम्हें, प्लस करना अच्छा नहीं आता होगा तुम्हें ना। सारा बेटे स्पून फीड कर दिया, एरर प्लस करके बोलना है मैंने बोला, प्लस भी नहीं करने तैयार हो सृष्टि शर्मा? नो सर, मैंने सोचा सर आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो। अच्छा अमरप्रीत कर, तुम बोल दो। 0.3 आ जाएगा सर, पहले का दूसरे का 0.1 आ जाएगा। जागो सृष्टि शर्मा, जागो, नींद से उठो। मैंने क्या कहा? आंखें खोल लो। नंबर प्लस हो माइनस हो, एरर हमेशा होश में आओ। अगले का बोलो आदित्य मेहता। 0.3 आदित्य मेहता होश में आओ, यहाँ 2 भी लगा है। 0.6 हाँ, तो एरर ज्यादा नहीं हो जाएगा? यस सर। उम्मीद है बात पता लगी जो होश में है। ये रूल किसके लिए था? मैक्सिमम एरर प्लस और माइनस का, ठीक है। सलोनी शर्मा गल समझाती है? यस सर। अब अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो, दो नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होते हो तो रिलेटिव एरर से देखते होते हैं, ठीक है, या इनटू 100 कर लो तो परसेंटेज एरर से देखते हैं। जैसे एक सवाल है, अगर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, डाटा यही है एल और बी का, तो आप पहले एरिया निकालेंगे एल बी करके। एरिया का एरर कैसे निकालेंगे? क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो इस रूल से डेल्टा ए बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा बी बाय बी, प्लस करके डेल्टा यहां से सॉल्व कर 4 आ गया, तो 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। पता लगा जी? यस सर। जैसे आप सोचो यहाँ पर ए बी की जगह अगर ए इंटू ए होता, मतलब ए स्क्वायर होता, तो क्या होता? ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए बन जाता, यानी कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए। ए स्क्वायर की जगह ए की पावर एन होता तो सेम एन आ जाता। याद करो मैंने आपको यही परसेंटेज पावर रूल से नहीं पढ़ा रखा? यस सर। या मैंने रूल पढ़ा, और तभी मैंने कहा था ना रूल किस वैल्यू के लिए वैलिड है? फॉर Less than 5%। हाँ, क्योंकि एरर स्मॉल ही होते हैं। आओ जी, 2 पेज हो गए रिवीजन। पेज 6 तक देखो, क्लियर था? पेज 7 देखो जी। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। 8 देखो जी। सर, ये पूछना था कि ऐसे जरूरी तो नहीं होता कि हर डेसिमल वाली वैल्यू प्रिसाइज होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने बोला क्योंकि पहले मैंने आपको ना सिर्फ एक ब्लाइंड फर्क समझाया कि प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या फर्क है, पर मैंने कहा प्रिसाइज में बाय रूल एक्यूरेसी भी होनी ही चाहिए। प्रिसाइज का मतलब सिर्फ होता है मोर सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, जैसे मेरे को कोई कहे 2.34 2.34782, तो ये प्रसाइज ज्यादा है। जितना प्रसाइज होगा उतना इंस्ट्रूमेंट महंगा होगा। यस सर, ठीक है। देखो जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। लो जी, अब 2 क्वेश्चन करके दिखाओ।
पहला क्वेश्चन तो 10 साल में 3 बार आ रखा नीट में, मतलब 5 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा, वो पांचों क्वेश्चन आ गए समझो आपको पूरा चैप्टर आ गया, पीछे की थ्योरी कुछ भी ना आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको चैप्टर करवा दी है, ठीक है। आज आप घर पे सारी आरपीएस असाइनमेंट्स की कर लेंगे, ठीक है। अब हमें 5 क्वेश्चन करेंगे बस और पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा इन 5 क्वेश्चन से, ठीक है आश्मीन? यस सर। कल छुट्टी है ना? यस सर। तो बस आप सारे वो कर लेंगे। कितना आंसर है काके? 16 इस ड्राल थे। ये होगा दिनेश, तुम्हें समझ आ रहा है दिनेश जो पढ़ा रहे हैं? ये पावर बेटा नीचे की माइनस वन में तब भी वन क्यों लिए बताओ? परसेंटेज एरर, क्योंकि एरर मैक्सिमम में प्लस ही होता है। ये देखो यहाँ दिखाया था मैंने तुम्हें, डिवाइड हो तब भी प्लस आता है, क्योंकि एरर हम हमेशा कौन सा देखते हैं? मैक्सिमम। इसी बात के लिए मैंने एक क्वेश्चन नया लिया है। ये क्वेश्चन एरर टॉपिक का नहीं है, ये एसएचएम टॉपिक का है, पर यहाँ पर एरर नहीं है, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पर देखो पावर नेगेटिव वाली नेगेटिव ही लेंगे, उम्मीद है फर्क समझ आ रहा है? फर्क समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन एरर टॉपिक है, एरर के बाहर का है। क्या फर्क है दोनों में? पूजा वर्मा दिख रहा है? पूजा वर्मा, क्या फर्क डाला मैंने बताओ? पूजा वर्मा ऊपर वाले में डिनोमिनेटर के पावर भी मैंने प्लस में ली है, क्योंकि एरर मैक्सिमम देखना होता है, पर चेंज के वक्त नीचे वाले की पावर माइनस ली जाती है। फर्क समझ आया पूजा वर्मा? जी सर। क्या फर्क है दोबारा बताओ? ऊपर वाले में मैक्सिमम एरर लिया था तो उसकी पावर हमने प्लस में ली थी। पता लगा है? चलो एक बार सारे पेज दिखा दूं मैं, ताकि अभी भी किसी की लाइट ना जली हो तो जल जाएगी। देखो पहला पेज क्लियर है, जल्दी ना है हमें। दूसरा पेज देखो क्लियर है? यस सर। श्रुति वर्मा देखो तीसरा पेज क्लियर है? यस सर। श्रुति एक चीज तो मैंने देखा अच्छी है, आप क्लास में तो बहुत इंप्रूव कर गए, बस होमवर्क अपना रेगुलर भेजते रहो तो डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? यस सर। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे आपका परफॉर्मेंस देखकर, आप काफी इंप्रूव हो गए क्लास में, आंसर सही देते हैं आप क्लास में। लो जी ये पेज देखो क्लियर है? ह्यूमन हाइट वाला बता दो। ह्यूमन हाइट बेटा 180 सेंटीमीटर ली है मैंने, उसको ऐसे लिखा ये नंबर 5 से छोटा है तो डिलीट कर दो और ये उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मीटर में करना है सर ये, मतलब ऐसा ही हो गया? हाँ मीटर तो करना ही पड़ेगा ना।
ऐसे ही में तो बोलना ही पड़ेगा। बोले सर जब हम उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें कैसे पता कि मतलब किस कैसे लिखना है, कहाँ पे डेसिमल डालना, कितने पावर, बस एक डिजिट रखना डेसिमल के लेफ्ट, बाकी सारे राइट लिखने होते हैं। डेसिमल के इधर सिर्फ एक डिजिट और कोई भी नहीं, ठीक है। ये देखें जी पेज, ठीक है जी। यस सर। यस सर। के पेज देख, क्लास में ही तैयार करा रहा हूँ, क्लास में ही रिवाइज करा रहा हूँ, बस सीधा क्लास खत्म होके इनके आरपी असाइनमेंट शुरू कर देना। कोई सिनॉप्सिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन शुरू कर देना। आरपीएस करो, असाइनमेंट करो, एमसी की बुक करो। देखो पेज क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ये देखो जी, सर ये पेज क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी सर, इस पेज में थोड़े डाउट है। पूछो जी, बिल्कुल पूछो। सर ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर बता दो सर, ये BL वाला प्लीज दोबारा। मतलब आपने कोई रीडिंग गलत ली है, उससे आगे आप कैलकुलेशन कर रहे तो उसमें कितना अधिकतम एरर आएगा। उसका रूल है कि अगर आप दो रीडिंग्स प्लस कर रहे हो तो आंसर में एरर अधिकतम वाला दोनों के एरर का सम होता है। चाहे माइनस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस साइन डाल दो तब भी एरर प्लस ही होता है, क्योंकि हम एरर कौन सा देखते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम तो इसीलिए दो नंबर प्लस किए तब भी एरर प्लस हुआ, माइनस किए तब भी एरर प्लस हुआ। ट्वाइस किया तो एरर डबल हो गया। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी सर, यहाँ पे आपने जो रीडिंग लिखी है 120 प्लस, वो कैसे लिखी है? वो पिछले पेज से कैलकुलेट करके ये 120 ये आई थी और इसका परसेंटेज निकाला था, इतना आ गया। ठीक है जी। लो जी ये पेज देखो जी, जतिन को डाउट है? सर? नहीं सर, हो गया। हाँ जी साक्षी बोले। सर इसका थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। थर्ड पॉइंट कहता है अगर पावर हो, यहीं से आया, देखो ए इंटू बी की जगह ए इंटू ए ले लो, है ना, तो यहाँ पर बी की जगह भी ए आ जाएगा, मतलब टू टू आ गया। मोटी मोटी बात समझिए, पावर सामने आ जाती है तो अगर n होगा, n सामने आ जाएगा, इसी को मैंने कहा था परसेंटेज पावर रूल जो आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। पावर सामने आ गई ना। ओके साक्षी चौधरी।
हाँ जी सर। देखो जी क्लियर हुआ है पेज? यस सर। आयुषी ठाकुर क्लियर है सारा जो पढ़ा रहे हैं? चलो ये है पेज नंबर 9। देखो जी ये क्लियर है। आयुषी आप अपना ना माइक ऑन करते हैं ना वीडियो ऑन करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर माइक और वीडियो खराब है उसका। नहीं खराब कैसे हुआ? पता नहीं सर, वो मैसेज कर रही है कल से कि बोल दियो सर को कि 2-3 दिन में करवा रही है। अच्छा हाँ जी। सर हाँ जी बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिस्टम ऑफ यूनिट से फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ नहीं पड़ता भाई, पावर ऑफ 10 से फर्क नहीं पड़ता, ये रूल है वो जो आप यार बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो जी मैग्नीट्यूड बताना है कोई? हाँ जी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर का नाम है जी। जब आप एक नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हो तो राउंड ऑफ करके, जैसे ये आ रहा है 8.8, ये 5 से बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ करके पावर एक बढ़ा दोगे, ये 5 से छोटा है सीधा राउंड ऑफ कर दो। मतलब उसमें नंबर कोई छोड़ते ही नहीं है, सिर्फ 10 की पावर ही होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर बचेगी हाईएस्ट वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ठीक है तन्मय भारद्वाज। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल बताना एक बार। मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर के लॉजिक से निकलता है या परसेंटेज एरर से, कि इसका एरर प्लस हो जाते हैं चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, रूल एक ही है। ठीक है ओके सर। लो जी अब ये दो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एरर बताना है जी में। पिछले क्वेश्चन में था चेंज, अब है मैक्सिमम एरर। तो अब पहले आप जी को निकालेंगे, वो बनेगा 4π² L/T². तो परसेंटेज एरर जी का आएगा परसेंटेज एरर एल का प्लस 2 ऑफ परसेंटेज एरर टी का। अब प्लस क्यों आया बच्चों? मैक्सिमम पूछा है, 5% आ गया, पता लगा? अब चलते हैं, अगर ये डिस्टेंस R1 है R2 है, हमें दोनों की सीरीज का आंसर निकालना है, तो ये आएगा 300 प्लस माइनस 3 ओम। उम्मीद है पता लग गया? यस सर। अब इनका पैरेलल का निकालना है, पैरेलल का निकालेंगे तो आपको पता है RP को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना? Yes, पहले RP की ट्रू वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी 100 × 200 / 100 + 200 / 3 आ गई। अब इसमें अगर ये फॉर्म देखे ना तो इसमें एरर निकालना फंस जाएंगे हम। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिपेंडेंट है आपस में। जो ये मल्टीप्लाई डिवाइड रूल थे ना, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में लिंक नहीं थे, ए और बी अलग अलग चीजें थी, यहाँ पर ये सेम चीज है, लिंक्ड है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं पर वो तरीका याद रखना पड़ता है, तो इसके लिए पहले बेसिक से कराता हूं। अगर यूं ले पहले आपको मैथ्स रिवाइज कराऊं, डी बाई डी एक्स 1/x का ये होता है आपको सिखाया हुआ पहले, ग्रेविटेशन में यूज हुआ था। अगर यहाँ पे डी टी होगा तो चेन रूल भी लगेगा, अगर डी टी भी ना हो इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू अननोन। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इक्वेशन को डिफरेंशिएट, तो बनेगा -1/RP² इसी फॉर्मूला से बात हो रही है डी आर पी -1/R1² डी आर वन -1/R2² डी आर टू। डी आर पी एक्चुअली क्या है? एर एन आर पी, माइनस कट ही जाएगा,
स्मॉल चेंज इन आरपी है ना, वो एरर ही बन जाएगा. डेल्टा आरपी बाय आरपी स्क्वायर, डेल्टा आर1 बाय आर1 स्क्वायर, डेल्टा आर2 बाय आर2 स्क्वायर. तो ये आप क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा आरपी तो ढूंढना है, आरपी का स्क्वायर, डेल्टा आर1 1 है बाय 100 का स्क्वायर, डेल्टा आर2 2 है बाय 200 का स्क्वायर. भैया ये 0 0 0 उड़ाई लो, डेल्टा आरपी आ गया 4/9 1+1/2, तो ये बन जाएगा 2/3.67. तो ये भी 66.7 ही है. तो आरपी का आंसर आ गया 66.7 ±0.67 ओम. ये इसका एक मिनट है काम करने का, पर इसे मैथ्स काफी लगा है. अगर आप चाहते हो कि इतना मैथ्स नहीं लगाना तो इसका एक इजी तरीका भी है, पर वो याद रखना पड़ता है तरीका. वो तरीका क्या, आप इसको ऐसे ही देखो वापस, जो मैंने आपको डिवीजन रूल भी थोड़ी पहले सिखाया था कि भैया एक्स का एरर डेल्टा ए बाय डेल्टा बी होता है, मतलब सॉरी अगर एक्स ए बाय बी है तो एक्स में जो एरर होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर का एरर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का एरर बाय डिनोमिनेटर. यही फॉर्मूला सिखाया आपको मैंने. अगर आप इस रूल से करते हो, आप कहोगे देखो ये फॉर्मूला आरपी का, तो डेल्टा आरपी बाय आरपी न्यूमरेटर का एरर, पर जब मैं बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग एंटर करता हूँ न्यूमरेटर में, मैं देखता हूँ यार दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो आपको दोनों का एरर लेना पड़ता है इंडिविजुअली रिलेटिव लॉजिक से. फिर इसमें डिनोमिनेटर का आप एरर प्लस करते थे, पर मैंने कहा आपको बोला रूल याद रखना पड़ेगा, अगर आप इस तरह से करोगे तो इसमें माइनस होगा क्योंकि दोनों डिपेंडेंट चीजें हैं, वरना डबल नहीं गिन सकते इसको, डबल गिनेंगे तो फंस जाएंगे, तो यहाँ माइनस साइन आएगा. और अब हम डिनोमिनेटर के अंदर एंटर करें, डिनोमिनेटर के अंदर एंटर करके हमें क्या दिखा कि यहाँ दो नंबर क्या हो रहे हैं, तो इसने दोनों का एरर प्लस किया, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर का एरर मिल गया बाय डिनोमिनेटर, तो बाय डिनोमिनेटर. तो यही हमने किया, रूल यही लगाया पर बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग लगाया, मतलब पहले न्यूमरेटर का एरर लिखा फिर डिनोमिनेटर का लिखा और बीच में माइनस साइन डाला. सॉल्व करेंगे वापस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है. पर ये फिर आपको याद रखना पड़ता है कि हाँ भाई जब डिपेंडेंट वाला सवाल आएगा तो बीच में प्लस किसी का माइनस आता है, और इस तरीके से काम करना है. और अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो गो बाय डिफरेंशिएशन जैसे मैंने करवाया, तो अब आपकी चॉइस है कैसे करना है, ठीक है. फिर से दो पेज हो गए, रिवाइज करते हैं. पेज 10 देखो जी, ठीक है जसलीन. यस सर. पेज 11 देखो जी. तो अभी सारा मिला के मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया है जिसमें मैंने सारी नॉलेज मिलाई है, तो इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है. अब आपने ट्राई करना होमवर्क में, और सारी आरपीएस असाइनमेंट ट्राई कर लो. मैंने बोला इस टेस्ट का हमारा सिलेबस हो गया है, अब हम बाकी 3 दिन डिस्कशन ही करेंगे, कौन सी 23, 24, 25, इसमें हम आप डाउट ही लेंगे आपके. हमारा सिलेबस हो गया इस टेस्ट का. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस टेस्ट में करना चाहते हो बता दो, मैं करवा देता हूँ. अगर अगले टेस्ट में डलवाना तो अगले टेस्ट में डल जाएगा, बताओ सर. अगले टेस्ट ठीक है. लो जी फोटोज लो फिर आज की क्लास की. पेज 1 2 3
और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाँ जी हो गई सारी फोटो सर एट्थ और नाइन्थ पे दोबारा शो कर दो एट्थ सर हाँ जी अगले टेस्ट से प्लस टू स्टार्ट होएगी प्लस हाँ फिर वो मेजरमेंट वाला इसी में करवा लेते हैं देख लो जैसे मन में तो बता सर इतने दिन डाउट्स तो साथ साथ हो ही गए हैं थोड़े बहुत हाँ क्योंकि इस बार हमें फायदा ही आ गया ना हमें वो दोपहर को आधा घंटा मिलता रहा डाउट्स के लिए यस क्योंकि वरना मेरे को वही दो क्लासेस लास्ट में बचानी पड़ती है डाउट के लिए इस बार वो हमें आधा घंटा मिलता रहा तो उसमें फायदा आ गया इस करके हमें टाइमली सिलेबस हो गया तो इसलिए कह रहा हूँ अगर करना है तो करवा देता हूँ साथ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सर फिर इसी में हो जाएगा प्लस वन का सारा पूरा ठीक है मैं करवा दूँ यस थैंक यू ओके परसों को फिर मिलेंगे अब हम डाउट्स के लिए और फिर साथ ही करवा दूँगा ठीक है ओके बाय बाय बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर सारा काम करें